आग बबूला, हीट वेव के असरात भी आना शुरू। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में हीट वेव से मुतासिर 200 मरीज जा पहुंचे। न्यू चिनाब सर्विसेज और जनरल अस्पताल समेत हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। शदीद गर्मी में डेंगू भी बेकाबू हो गया। शहर में डेंगू के मजीद 2 नए मरीज सामने आ गए। गंगाराम और न्यू मीर हॉस्पिटल में जेरे इलाज 36 मकामात तर्क कर दिया गया। रवां साल अब तक शहर में डेंगू से मुतासर 40 मरीज हुए। सूरज ने आग बरसाई तो जमीन तनूर बन गई। झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी निढाल चरिंदों परिंद का बुरा हाल। दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। रवा हफ्ते पारा 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। सूरज ने आंखें दिखाई तो शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। छुट्टी के रोज बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद नहर में नहाने पहुंच गई। नहर में डुबकियां, गर्मी दूर भगाने की कोशिशें। शहरियों का कहना है कि गर्मी कम करने के लिए नहा रहे हैं, बहुत सुकून मिल रहा है। गर्मी की शिद्दत बरकरार, शहर में ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। सरदाई घोटा, गन्ने का जूस और नींबू पानी स्टॉल्स पर रश। शहरियों का कहना है शरबत पीने से गर्मी को भगाने में मदद मिलती है, इससे जिस्मानी और जहनी ताजगी भी लौट आती है। जो भी हमारा रनर अप था और हमने उनके रनर अप के लिए सीट छोड़ी, और बाकी जहां तक हुकूमत में शामिल होने का ताल्लुक है वो मैं वादे कर चुका हूं कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है पंजाब में, और अगर पंजाब के मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए तो हम हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। कोई बिल या कानून पीपल्स पार्टी के बगैर पास नहीं हो सकता। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत में शमूलियत से इनकार नहीं किया, बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगी। बजट आवाम और किसान दोस्त होना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। पंजाब के 108 अफसरान स्मगलर्स के सहूलत कारी में मुलविस निकले। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज सेहत और हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और रिवैम्पिंग जारी। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत इजलास। बच्चों में गजाइत की कमी दूर करने के लिए न्यूट्रिशन बोर्ड का क्याम का जायजा लिया। कहते हैं बच्चे कम वजन और नशनुमा में कमी का शिकार हैं। माओ को बच्चों की सेहत पर तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर तालीम लंदन के सरकारी दौरे के बाद वतन वापिस आ गए। राना सिकंदर हयात एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। राना सिकंदर हयात और मुख्तलिफ आलमी इदारों के माबैन पंजाब में डिजिटल इनकलाब के लिए पर इत्तफाक हुआ। खुद साख्ता महंगाई आवाम की जान पर बनाई। सब्जियों और फलों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। लीमू 800, अदरक लहसुन 700 और भिंडी 220 रुपए किलो। सेब केला अनार और अंगूर भी पहुंच से दूर हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हैं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। मुर्गी का गोश्त 377 रुपए किलो से नीचे ना सका। फर्मी अंडे 14 रुपए सस्ते होकर 237 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 में फरोख्त हो रही है। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ फराहम करने का अजम। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन इन एक्शन। कहते हैं डबल रोटी रस और बन की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की जाए। पंजाब भर में इंतजामिया कम कीमतों पर बेकरी मसनूआत की दस्तियाबी यकीनी बनाएगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। डीसी राव हैदर और सिटियों के मवेशी मंडियों के जगहों के दौरे। शाहपुर कांशा पाइन एवेन्यू रायवन रोड पर लगने वाली मंडियों के इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने अफसरान को सहूलियात से मुतल्लिक अहकाम जारी किए। मनावा में लाहौर रन के प्रोग्राम। लाहौर जोन की टीम पर हमला। एंकर पर्सन मियां नवीद जख्मी। थाना मनावा में मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। सहाफती तंजीमों की हमले की शदीद मुज़म्मत। आईजी पंजाब का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली।
ड्रोन के जरिए हिरन स्मगल करने का मामला, पुलिस की मदईयत में नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ड्रोन चौकी वाघा के इलाके भटासिफ के करीब से मिला था। ड्रोन के जरिए 500 ग्राम हिरन सरहद पार भेजी जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात, पंजाब के 108 अफसरान स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस निकले। मनशियात फरोशों के खिलाफ नवाब टाउन पुलिस इन एक्शन। मनशियात फरोश मोहम्मद अमीन गिरफ्तार, 1.5 किलो के करीब चरस बरामद, मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालीमी इदारों के अतराफ में मनशियात बेचता था। गिरजाघरों में मसीही बाजाती दुआया प्रोग्राम, DIG ऑपरेशन का मुख्तलिफ गिरजाघर मोहम्मद फैसल कामरान ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मुलाकात में इंतजामिया ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। DIG ऑपरेशन का गिरजाघरों के अतराफ मौसर पेट्रोलिंग करने का हुक्म दिया गया। 1 जनवरी से 30 अप्रैल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वेलफेयर के ऊपर 116 करोड़ रुपया खर्च किया गया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना छुट्टियां समेत मिलाकर 1 करोड़ रुपया रोज़ाना, इसका हिसाब आपको देना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने आप पे 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया, और जिस तरह हम इस साल आपकी हेल्थ एजुकेशन आपके बच्चों की शादियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपके ऊपर खर्च करेंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर का पैगाम, कहा पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड को बढ़ाकर 1,300 करोड़ रुपए तक किया गया। पुलिस फोर्स आवाम की खिदमत और हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करे। SSP ऑपरेशन लाहौर अली रजा का तबादला, अली रजा को स्टेशन डिवीजन इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। अली रजा के तबादले से SSP ऑपरेशन लाहौर की सीट खाली हो गई थी। गंदम की बाकियात को आग लगाने के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज, DIG मोटरवे मसरूर आलम कुलाची कहते हैं मोटरवेज के करीब गंदम की बाकियात को आग लगाना खतरनाक हो सकता है, आग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफी अरसे से अलील थे, उन्होंने कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। जानदार अदाकारी के एतराफ में सितारा इम्तियाज़ नवाजा गया। लाहौर के फनकार बरादरी भी इंतकाल पर उत्सुक है।